इस रिपोर्ट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील टीएमटी सरिया और एम्स गारमेंट्स बारामूला। हाँ जी वीरा, पटन से मागाम रोड पर अगरचे महकमा पीएमजीएसवाई ने 2 साल कबल मैकेडमाइजेशन का काम किया था, ताहम 2 साल होने के बाद इस रोड पर आज बड़े बड़े खड्डे नजर आ रहे हैं। मुकामी लोगों ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए बताया कि अगरचे कुछ दिन पहले इस रोड पर पैचिंग का काम शुरू किया गया, लेकिन बिना वजूहत के वो काम अधूरा छोड़ा गया। मुकामी लोगों ने महकमा पीएमजीएसवाई पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि अगरचे इन्होंने कई बार ये मामला इनकी नोट्स में लाया, लेकिन मुतलिका महकमा टस से मस नहीं हो रहा है। इन्होंने मुतलिका महकमा के आला ओहदेदारों से मांग की है कि इस मसले की तरफ ध्यान दिया जाए और इनके मुश्किलात का अजाला किया जाए। हाँ जी वीरा, पटन से कश्मीर ग्राउंड के लिए इरफान तिलगामी की ये रिपोर्ट। जी, मेरा नाम करार हसन ऋषि है। सर, कहाँ रहते हैं आप? मैं इधर हागरपुरा बुद्धिबुग में रहता हूँ। सर, क्या मसला है यहाँ पे? देखिए, मैं काफ़ी टाइम से सोशल एक्टिविज्म करता आ रहा हूँ और मैंने अपना ये जो रोड है हमारा हाँजीवेरा मागाम रोड, ये 2 साल पहले मैग्नमाइज किया पीएमजीएसवाई वालों ने। उसके बाद 5 साल के अंडर इन रोड को देखना होता है कि कहीं पे कोई पैचिंग वगैरह तो नहीं है, उसको रिकवर करना होता है। मैं रिसेंटली चीफ इंजीनियर पीएमजीएसवाई से मिला, उनको मैंने इस रोड के बारे में आगाह किया और उनको बताया मैंने कि ये रोड कई जगह पे ख़राब हुआ है, तो इसकी आप मरम्मत करवाइए। तो उन्होंने इनको डायरेक्ट किया बारामूला पीएमजीएस वालों को कि इसको ठीक करें। उसके बाद जो पीएमजीएसवाई बारामूला है वो यहाँ पे आए, उन्होंने रात के अंधेरे में लगभग 8 बजे में देख रहा हूँ कि उनने कुछ पैचिंग की हुई है। अगर आप वो पैचिंग देखिए, उसमें कोई लेवल उन्होंने बराबर नहीं किया है, लेवल उन्होंने बिल्कुल हैफजर्ड तरीके से की है। और अगर आप देखेंगे ये मालमो से जो मागाम तक रोड आता है वहाँ पे कोई पैचिंग नहीं हुई। उसके बाद मैंने ये एंटी करप्शन ब्यूरो को फॉरवर्ड किया है, जो हमारे ताहिर गिलानी साहब है बारामूला, उनको मैंने मेल किया हुआ है अलॉन्ग विद द फोटोग्राफ्स। अनफॉर्चुनेटली मैंने डिप्टी कमिश्नर बारामूला को भी ये लिखा, उनको मैंने व्हाट्सअप किया, उनने लिखा ओके, बट देर वॉज नो एक्शन आफ्टर दैट। तो आई एम जस्ट सेइंग कि आज यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस तरह से लग रहा है यहाँ पे कोई जंगल राज क्रिएट हुआ है। डिस्ट्रिक्ट बारामूला इसलिए पीछे जा रहा है दिन ब दिन, क्योंकि पिछली बार भी मैंने कहीं पर एक क्वायरी उठाई और सेंटर ने भी एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया था कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला सबसे पीछे है। तो रीजन्स क्या है? रीजन्स यही है कि यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो तवज्जो नहीं दे रही है। मैंने जई साहब को फ़ोन किया, उनको मैंने इसके बारे में बताया, वो वहाँ से आर्ग्यू कर रहे हैं और उनका जवाब ऐसा शॉकिंग था। वो कह रहे हैं डू व्हाट यू वांट टू डू। सो दिस काइंड ऑफ आंसर जब हमारे जेई साहब दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको किसी चीज़ की कोई परवाह ही नहीं है। सो स्ट्रॉन्ग एक्शन इज रिक्वायर्ड इन दिस मैटर। डीसी बारामूला को और एससी बारामूला पीएमजीएसवाई को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बराए करम आप कभी इस सड़क का दौरा कीजिए, आप देखिए इन्होंने क्या किया है, हमारी सड़क को तबाह कर दिया। ये सड़क मेरे घर की सड़क नहीं है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करती है, हाँजीवेरा से लेके मागाम तक, बारामूला को डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से कनेक्ट करती है, करता है ये रोड। तो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट रोड, काफ़ी सारी गाड़ियाँ चलती हैं इस रोड के ऊपर। तो मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को कि जनाब आप इतना काम करते हैं, ये हमारा पैसा है जो टैक्स का पैसा है जो हम गवर्नमेंट को देते हैं, ये किसी के घर से नहीं जा रहा है। तो आप हमें बताएं, हम आपसे हिसाब मांग रहे हैं, आप बताएं इस रोड का क्या किया आपने। तो अभी तक कोई, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, अभी तक कोई एक्शन हमें दिखा नहीं ग्राउंड लेवल पे। तो इसलिए मजबूरन आज मीडिया को हमने ये जानकारी दी। हम कोशिश करते हैं कि आपकी वसादत से ये बात हमारे डिप्टी कमिश्नर और चीफ इंजीनियर तक पहुँचे और वो इसका जल्दी से जल्दी रेजोल्यूशन निकाल के ये मसला हमारा हल करें, उसके लिए हम शुक्रगुजार रहेंगे। वादी कश्मीर में जाना और पहचाना नाम MST सर्विसेज, करनगर श्रीनगर। COVID-19 जैसे मौलिक बीमारी से बचने के लिए हमारे यहाँ हर तरह के आलात दस्तियाब है। कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचने के लिए हमारे पास 3-ply मास्क विद नोज पिन, 3-ply मास्क विदाउट नोज पिन, 3-ply मास्क विद आई प्रोटेक्शन, कॉटन वॉशेबल मास्क, N95 मास्क, डिजिटल थर्मोमीटर, फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर, रेन कार्ड, PPE किट्स, सर्जिकल कैप्स, फेस शील्ड और नैनो स्प्रे के अलावा दीगर साजो सामान रियायती कीमतों पर दस्तियाब है। वादी कश्मीर के तमाम तर अजला में डीलरशिप के लिए भी आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर आते हैं 9906123111। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी राब्ता कर सकते हैं 9419403890 9018227661। MST सर्विसेज, अपोजिट नेशनल हाई स्कूल, करनगर श्रीनगर। अस्सलाम।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं करानगर सिटी सर्विसेज से आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे COVID-19 के रिगार्डिंग जितने भी प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स आते हैं सारी चीजें यहाँ पे दस्तियाब हैं मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पर। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप एक बार हमारे यहाँ पे आइए।